मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही उनका पूरा स्टाफ बैठता है। तो ये छापा मारा गया सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मारा गया, मुख्यमंत्री के कार्यालय में रखी हुई फाइलें छानी जा रही हैं। कौन सी फाइल देखना चाहते हैं मोदी जी, बताएं? हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, सीबीआई के सामने, खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है। अगर वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी, तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है, इसका उल्टा असर पड़ेगा। मनीष जी, ये जो बताया जा रहा है कि ये जो छापा है ये सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेंद्र कुमार उन पे डाला गया है, तो अगर उन पे किसी तरह का छापा डाला जा रहा है और करप्शन का अगर कोई मामला है, अगर वो सामने आता है, तो उसमें दिल्ली सरकार को दिक्कत क्या है? अगर करप्शन का मामला है तो आप अरविंद केजरीवाल के घर पे छापा डालिए, दफ्तर पे छापा डालिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बहाना बना के सीएम दफ्तर को सील करेंगे, सीएम दफ्तर में लोगों का आना जाना बंद करेंगे, सीएम दफ्तर में रखी हुई फाइलों को छानेंगे, तो इसका मतलब आप बहाना बना रहे हैं। जी, अभी तक तो सामने आया नहीं है, और मैं बता रहा हूँ ना आपको, बदले की राजनीति हो रही है, फिर किस लिए? दिल्ली में थर्ड फ्लोर पे सचिवालय में सीएम केजरीवाल का दफ्तर है, वहां पर अगर आप छापा डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं? इसका मतलब आप सीएम केजरीवाल को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हें राजनीतिक रूप से परेशान करेंगे, करिए परेशान। लेकिन अगर, क्योंकि ये जो दफ्तर है, प्रधान सचिव का कोई अपना दफ्तर थोड़ी होता है, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का स्टाफ है, उनका स्टाफ है, मुख्यमंत्री का दफ्तर है थर्ड फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया है, वहां पे स्टाफ को नहीं आने दिया जा रहा है, वहां पे रखी हुई फाइलों को सर्च किया जा रहा है, करें। लेकिन क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका ये कहना है कि सीबीआई का भी बयान भी आया उनका कि हमने केजरीवाल के दफ्तर पे छापा नहीं मारा, हमने राजेंद्र के उसमें ऑफिस में छापा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की फाइलें होती हैं, वो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। ये सीबीआई झूठ बोल रही है, सीबीआई भरमाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई बताए वहां पे, या मोदी जी बताएं कि उनके प्रधानमंत्री जी का जहां पे दफ्तर है वहां प्रधानमंत्री का स्टाफ बैठता है, वहां कोई कार्रवाई होगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय पे होगी कार्रवाई। राजेंद्र जी के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं, अगर आम आदमी पार्टी को कोई सबूत मिलते हैं, तो क्या किसी पार्टी का एक्शन क्या होगा उनके खिलाफ? किसी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे, आम आदमी पार्टी का मैसेज साफ है, केजरीवाल जी का मैसेज साफ है, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अफसरों को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि केजरीवाल के साथ काम मत करो, जो केजरीवाल के साथ काम करेगा उसको हम केंद्र की तरफ से इस तरह से परेशान करेंगे, तो इसको